एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं नारियों के विषय में। तेरे उजले उजले आंचल पे धब्बा ना कोई भी लगे, संभल कर चल। तेरी मान तथा मर्यादा पे, तेरी मान तथा मर्यादा पे उंगली ना कोई भी उठे, संभल कर चल। संभल कर चला करो, लाज से अपनी डरा करो। दोनों कुल की शोभा हो तुम, तनिक संभल कर चला करो। कहीं स्वतंत्रता के चक्कर में लज्जा का नदामन घुटे, संभल कर चल। तेरे उजले उजले आंचल पे धब्बा ना कोई भी लगे, संभल कर चल। तुझको जानती है तो सावित्री और सीता है, तूने अपने सतीत्व के बल सारे जग को जीता है। तूने अपने सतीत्व के बल सारे जग को जीता है। अब तेरे इस नंगेपन का जग में ना ढिंढोरा पिटे, संभल कर चल। तुम तितली सी क्या फूल फूल मर राती हो, जहाँ फूल है वहाँ सूल है, उनसे क्यों ना भय खाती हो। फूल फूल मर राती हो, जहाँ फूल है वहाँ सूल है, उनसे क्यों ना भय। कहीं उलझ उलझ कर कांटों से, कहीं उलझ उलझ कर कांटों से दामन ना तुम्हारा फटे, संभल कर चल। तेरे उजले उजले आंचल पे
दबाना कोई भी लगे संभल कर चल। स्वामी जी कहते हैं, सीता माता जो इतनी बड़ी तपस्विनी थी, उनको अपने कर्म का भोग करना पड़ा, तो हम आपके श्रेणी में आते हैं। हम भी जैसे जैसे कर्म करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमको फल प्राप्त होते चले जाएंगे। सीता माता गर्भवती स्थिति में सोचती थी पहले से कि अब अयोध्या में रहेंगे, इतने दिनों तक दुख और मुसीबत झेलती रही हूँ, अब तो कम से कम सुख के दिन आ गए हैं। लेकिन सुख के दिन वो दोनों तोता तोती जो थे धोबन बन करके आ चुके थे, इसलिए दोनों ने आकर के सीता को राघवेंद्र सरकार से छुड़ाया और उसी स्थिति में छुड़ाया जिस स्थिति में सीता माता ने उनको छुड़ाया था। सुख की जिंदगी जीऊंगी, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की झांकी को देख करके, उनकी छवि को, उनकी सुंदरता को देख करके मन में बड़ी ही प्रसन्न होती थी। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमने क्या कर रखा है और उसी समय में हमको भोगना पड़ेगा। और प्रियतम से छूट करके हमको किस प्रकार से कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रियतम अति दुख पाए हैं, मत कर पुराण से आज कथा हम तुम्हें सुनाने आए हैं। लखनलाल जंगल में छोड़ देते हैं और वो जंगल में जाकर के चारों तरफ देखती हैं, अंधेरा ही अंधेरा, कोई नहीं दिखाई देता। ऐसी अवस्था में सीता माता बेहोश हो जाती है, वहां कोई नहीं है, इसलिए
बिना प्रियतम के उनको भी अत्यंत कष्ट होता है, जैसे उस तोती को हुआ था। रोती बिलखती है, हा लक्ष्मण तुमने ये हमारे साथ में क्या किया। लेकिन उस समय उनको कोई नहीं दिखाई पड़ता। भगवान ने सोचा था कि सीता को तो जरूर कष्ट होगा, लेकिन आने वाली संतान जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, वो संस्कारवान जरूर बन जाएगी। हमें भी अपने घरों में अपने बच्चों के संस्कार संस्कार ब्राह्मणों को बुला करके सही ढंग से करवाने चाहिए। एक हमारी सहेली थी, और आपके यहाँ भी जहाँ हम बैठे हुए हैं पंडित जी के यहाँ, ये भी हमारी बहन जी मध्य प्रदेश की है, वो भी मध्य प्रदेश की ही लड़की थी मेरे साथ में। कहने लगी, गायत्री क्या बताऊं, जिस समय मेरा विवाह हुआ पंडित जी ने बस ऐसे ऐसे संस्कृत के मंत्र बोले कि बस, मैंने कहा ये तो सारे के सारे मंत्र गलत पड़े जा रहे, और आधे घंटे में मेरा विवाह हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे विवाह संस्कार कराए जाते हैं कि पति पत्नी को पता भी नहीं चलता और उनके विवाह हो जाते। मुंडन संस्कार, कौन सी देवी बाल खाएगी बच्चे के, वो देवी खाएगी और वहां पर बाल बनेंगे। और संस्कार कुछ नहीं होता, पंडित जी गाते हैं, ये कैसेट वाले पंडित जी श्री नवीन कुमार जी गाते हैं कि मैं चली वहां मुंडन करवाने तो लड़िया लौट गई। ऐसे ऐसे गीत गाए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और संस्कारों से सब विहीन होते चले जा रहे हैं। इसीलिए लड़का लड़की के गीत गा रहा, झुमका गिर गया रे बरेली की बाजार में, ऐसे गीत गाए जा रहे हैं। और भगवान ने अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए कहा था, ऋषि वाल्मीकि आश्रम के निकट जा करके इन्हें छोड़ देना। इसीलिए कहा था कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब छूटेंगे बच्चे तो संस्कारवान बनेंगे। बोले शंकर भगवान की। हाँ, अब हमारी ये सीता वनवास की कथा जो है यहीं पर समाप्त होती है, एक छोटा सा भजन कह करके, और हम विराम करेंगे। आखिरी वक्त है कर ले प्रभु का भजन, आखिरी वक्त है कर ले प्रभु का भजन, मौत आने का कोई ठिकाना नहीं। आज है जिंदगी कल रहे ना रहे, आज है जिंदगी कल रहे ना रहे, जिंदगानी का कोई ठिकाना नहीं। जो समझते हैं अपनी गरज से गरज, जिनको मतलब है बस अपने आराम से, जो समझते हैं अपनी गरज से गरज, जिनको मतलब है बस अपने आराम से, जिनको मतलब है बस अपने आराम से, ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं। आने का कोई ठिकाना नहीं, संग में ना चले ना चलेगा कोई, अंत तक तो कोई साथ देता नहीं। संग में ना चले ना चलेगा कोई, अंत तक तो कोई साथ देता नहीं। आज है पास में कल रहे ना रहे, आज है पास में कल
रहे ना रहे, ऐसी दौलत का कोई ठिकाना नहीं। प्रभु का भजन मौत आने का कोई ठिकाना नहीं।